नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेलवे के साथ कई विभाग को केंद्र सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन करने के फैसले को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी तरह से गलत ठहराया है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेसवार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा। झामुमो का साफ कहना है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, ऐसे में एक दिन देश पूंजीपतियों के हाथों बिक जाएगा। आपको बता दें कि झामुमो ने आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे के स्टेडियम, सरकारी जुडिशियल रेसिडेंस सभी की बोली लगवाई जाएगी। इस देश की राज्य मार्ग पूंजीपतियों के नाम हो जाएंगे। ऐसे में पूंजीपति मनमाना तरीके से टोल टैक्स वसूलेंगे और सड़कों पर गुंडागर्दी करेंगे। सुप्रियो ने कहा कि 25 एयरपोर्ट और 500 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेन, 900 पटरियों को बेचा जाएगा। वहीं 27,600 किलोमीटर राज्य मार्ग को बेचा जाएगा। इस देश का किसी भी प्रकार का उपक्रम अब देश का नहीं रहेगा। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और देश पूंजीपतियों के हाथों पूरी तरह से बिक जाए। इस दौरान सुप्रियो ने उड़ीसा से संबंधित मामले पर कहा कि शिबू सोरेन की बेटी और उड़ीसा झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन को उड़ीसा पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है, जिसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। इस आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। देश के कई अर्थशास्त्रियों ने यह चिंता व्यक्त किया था, क्या ये देश को व्यापारियों के हाथों में, उद्योग समूहों के हाथों में देने की कहीं तैयारी तो नहीं हो रही? और वो आशंका कल सच साबित हुई जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 6,00,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए देश के सभी संपत्ति जैसे राजमार्ग, रेल, ऊर्जा, पावर, टेलीकॉम, वेयरहाउसेस जो जिसको हम लोग गोदाम कहते हैं FCI का, नेचुरल गैस पाइपलाइन, कोयला, सभी तरह के खनन, एविएशन, साथ साथ विमान पत्तनों के साथ साथ जल जो पोर्ट होते हैं, जो सी पोर्ट होते हैं, जो खेल के सरकारी स्टेडियम हैं, खासकर रेलवे के, लाखों एकड़ जो सरकारी जो रेसिडेंशियल लैंड उसको, और साथ ही जो अर्बन रियल स्टेट, उन सब की नीलामी की बोली लगा दी, वो तो बेच ही लिया। अब 25 और भी जो व्यस्त एयरपोर्ट्स हैं उनको भी बेच देंगे। 400 रेलवे स्टेशन बेच देंगे, 90 यात्री राजमार्ग अब पूंजीपतियों के हवाले होगा। मतलब अभी जो BOT मॉडल या PPP मॉडल पर NHAI ने जिस रोडों को बनाने का काम कर रहे हैं, उस पर जो टोल लगा रहे हैं, अब वो रोड्स प्राइवेट रोड्स हो जाएंगे। अब उनकी अनुमति से उस रोड में परिवहन परिचालन किया जा सकेगा। उसका वो मनमाना या अपने द्वारा जो तय राशि होंगे
उसको अदा करना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि अब आप हर कोई तैयार रहिए, केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वक्त आपकी भी नीलामी होगी उसके लिए। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।